ड्राइवर पे अटैक किया और उसके सिर में गोली लगी है। तो जैसे ही ड्राइवर के सिर में गोली लगी तो उसका संतुलन जो है वो खो गया और गाड़ी जो है खाई में चली गई। उन्होंने अपनी फायरिंग करना बंद नहीं की और वो 15 से 20 मिनट तक बाद में भी फायरिंग करते रहे, जबकि गाड़ी जो है वो खाई में गिर चुकी थी। बाकी बाकी यहाँ आए और विद इन हावर उन्होंने जो है ये पूरा रेस्क्यू जो किया। इस एरिया में ये पहली बार है और इस तरह का सिर्फ सानिया है जो ये पहली बार घटना जो हमारे एरिया में घटी है। इससे हमारी लोगों का मनोबल भी जो है वो टूटा है। जैसे ही हमें पता लगा कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और सुनने में आ रहा है कि गाड़ी पे मिलिट्री ने अटैक कर दिया, तो हम भागे भागे यहाँ जहाँ पे आ गए। सभी लोग जो है मेरे साथ में कोई तकरीबन 40-50 के करीब लोग आए, उसके साथ ही चौकी ऑफिसर त्रियाट अपनी टीम के साथ यहाँ पे पहुंचे और हमने देखा कि गाड़ी जो है वो खाई में गिरी हुई है और लोग जो है वो चिल्ला रहे हैं और हल्ला कर रहे हैं, बचाने की गुहार लगा रहे हैं। तो हमने देखा कि जो कुछ लोग तो जो थे उनकी डेथ हो चुकी थी और कुछ लोग जो थे वो गाड़ी में फंसे हुए थे और कुछ बाहर गिरे हुए थे। तो हमने आते ही पहले जो बचे हुए लोग थे जो जख्मी थे उनका रेस्क्यू किया और यहां से शिफ्ट किया सीएससी त्रियाठ में और वहां पे फर्स्ट एड वगैरह का काम जो है वो चला। फिर उसके बाद हमने यहां से डेड बॉडीज निकाली और जहां से चार डेड बॉडीज जो है वो त्रियाठ सीएससी में शिफ्ट कर दी गई और पांच को जो है जब पौनी से एम्बुलेंस से आई तो पौनी में शिफ्ट की और कुछ जो पेशेंट है जो कुछ जख्मी थे वो उनको पौनी में शिफ्ट किया गया और मैक्सिमम जो जख्मी थे वो उनको त्रियाठ शिफ्ट किया और त्रियाठ से फिर एम्बुलेंस के द्वारा जैसी जैसी उनको इंजोरी थी कुछ को जम्मू, कुछ को नारायणा हॉस्पिटल और कुछ को रियासी जो है वो शिफ्ट किया। तो हम जब यहां आए तो हमने जो जख्मी लोग थे उनसे जब पूछा तो उन्होंने बताया कि जैसे ही गाड़ी जो है ये कंडा से 200 मीटर आगे निकली है जहां इस स्पॉट पे पहुंची है तो एक मिलिटेंट ने ड्राइवर पे अटैक किया और उसके सिर में गोली लगी है। तो जैसे ही ड्राइवर के सिर में गोली लगी तो उसका संतुलन जो है वो खो गया और गाड़ी जो है खाई में चली गई, लेकिन उन्होंने अपनी फायरिंग करना बंद नहीं की और वो 15 से 20 मिनट तक बाद में भी फायरिंग करते रहे, जबकि गाड़ी जो है वो खाई में गिर चुकी थी और उसी वजह से कुछ लोग गोलियों की वजह से जो है गोली लगने की वजह से जख्मी हुए और कुछ लोग जो है वो एक्सीडेंट की वजह से जख्मी हुए और उनकी कैजुअल्टी हो गई। तो किसी ने कोई देखा था कि कितने आतंकी है या कोई किसी ने बोला है? सर उनके कहने के मुताबिक वो कहते हैं कि एक जो गोली है गोलियों की आवाज ही सुनी है, एक गोली की आवाज पीछे से आ रही थी और एक ने जो है वो हम ड्राइवर पे अटैक किया क्योंकि हम तो देख नहीं पा रहे थे तो उन्हीं क्योंकि उसके उनके अलावा यहाँ पे और कोई नहीं था। तो लोकल लोगों ने भी मदद की, इंजर्ड पूरे जितने भी लोकल लोग थे ये अर्जाइनिंग एरिया बमलिया ठंगरियोट त्रियाठ के लोग जो ये भागे भागे यहाँ आए और विद इन हावर उन्होंने जो है ये पूरा रेस्क्यू जो किया और उसके बाद जितने भी जो जख्मी लोग थे और डेड बॉडीज थी वो उनको इस तरह का पहली बार ऐसा दिखाई। सर इस एरिया में ये पहली बार है और इस तरह का सिर्फ सानिया है जो ये पहली बार घटना जो हमारे एरिया में घटी है। इससे हमारी लोगों का मनोबल भी जो है वो टूटा है और इसके साथ साथ जो है इसका यात्रा के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा और शायद मिलिटेंटों ने इसीलिए अटैक किया कि जो यात्रा को अफेक्ट किया जाए और एक नया किस्म का ये हुआ है हमारे इलाका में। इससे पहले जब मिलिटेंसी चरम पे थी तब भी किस किस्म का हादसा यहाँ पे नहीं हुआ।